तो मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं सरोज पंवार आप सभी का पंवार निवास ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और दोस्तों आज जो है मोड़द की दाल दलेंगे, वो भी घर की चक्की में। तो ये हमारी दाल दलने की चक्की, और इसे जो है पहाड़ी भाषा में जांदरा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। लेकिन जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं वो तो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो है हर घर में ये जांदरा होता है। पहाड़ों में हर तरह की दालें होती है, तो उसको दलने के लिए जो है सबके घर में है, तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जो बाहर रहते हैं शहरों में लोग, शायद उन लोगों को पता ना हो। तो इस चक्की के जो है इस तरह से दो पार्ट होते हैं, ये नीचे वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला। और इसमें जो है सपोर्ट के लिए ये एक रिंग जैसा बना रखा है घास का, तो इसको जो है सपोर्ट के लिए लगाते हैं ताकि आपस में ना टकराएं। और इसमें जो है एक सरी का टुकड़ा लगा हुआ है, तो इस तरह से लगाते हैं इसको। और तो ये जांदरा जो है फिट कर दिया है, अब इसमें दलेंगे दाल। कुछ दाल तो हमने दल दी है और कुछ अभी रहेगी इसमें, तो ये दलूंगी मैं अभी। ये है उड़द की दाल, इसे दलेंगे हम इस चक्की में। तो मैं डालूंगी इसमें ये दाल उड़द की अब, और इसको जो है इस तरह से घुमाएंगे। दल गई है, देखो अच्छे से दल गई। उफ, बहुत भारी है। ये दाल जो है मैं इसमें साफ करूंगी अब छाछ में। हम जो है इसे सुपा बोलते हैं अपनी भाषा में, आप लोग क्या बोलते हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं करूंगी इसको साफ, इस तरह से जो है इसे साफ करूंगी। मैंने जो है सारी दाल साफ कर दी है, और हम जो है इसके कल पकोड़े बनाएंगे, उड़द के दाल के पकोड़े। कैसी लगी आप लोगों मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। और आप लोगों को मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय।